नीमच के यातायात अमले की कमान राम सिंह राठौड़ संभाल रहे हैं। यूं तो राम सिंह राठौड़ अपनी मूछों पर ताव देकर रावड़ी राठौड़ बनते हैं, लेकिन नियम तोड़ने वालों के सामने मूछे नीचे होती नजर आ रही है। यूं कहें कि राठौड़ साहब की राठौड़ी के सामने यातायात के नियम ठेके पर चल रहे हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर आधी सड़क पर वाहन खड़े होना आम बात सी बन गई है। यहां तक कि होटलों पर निजी अस्पतालों के सामने तो हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही है। हम शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था की सच्चाई से आपको अवगत करवा रहे हैं। यही नहीं, नीमच के एडिशनल SP राजीव मिश्रा हकीकत को सुधारने की बात करने की बजाय यातायात प्रभारी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इसमें यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? नीमच यातायात व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इंदिरा नगर से लेकर कमल चौक ऐसे नीमच के प्रमुख मार्गों पर बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ये जो यातायात पुलिसकर्मी है, इनका तो जैसे गांव से कोई भी कृषि मंडी में आते हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं, वहाँ पर शाम के समय में जाके खड़े हो जाते हैं लोग, और ये क्या करते हैं बेचारे किसान लोगों से अवैध वसूली करते हैं। यातायात जो थाना प्रभारी है और यातायात व्यवस्था को लेकर आपकी क्या समस्या है बताइए। यातायात थाना प्रभारी ये है कि यातायात की व्यवस्था ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, भोले वाले लोग मंडी के लिए या किराना सामान खरीदने के लिए, तो यातायात वाले उनको रोक लेते हैं सिर्फ देख कर। और शहरी क्षेत्र वाले लोग अगर तीन भी जा रहे हैं तो उनको कोई रोका नहीं जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के दो व्यक्ति भी जा रहे हैं तो उनको रोक लेते हैं, हेलमेट कहाँ आपका है, ये कहाँ है, पैन कार्ड वगैरह, RC बुक कहाँ है, क्या सारे पेपर तो साथ लेके नहीं घूमते हैं लोग किसान लोग। इसी प्रकार उनका चालान काटा जाता है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, घर खर्चे के सामान ले नहीं पाते हैं। वो यातायात व्यवस्था में कमी है कहीं कहीं। जो शहर के प्रमुख मार्ग है वहाँ पे यातायात व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, फिर भी ये लोग मतलब ये करते हैं, तो आपका इस पर और क्या कहना है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? इस पर थोड़ा सुधार करना चाहिए इनको। यातायात ये जो शहर के अंदर वाली व्यवस्था नहीं देखते हैं, बाहर के जो चौराहे हैं उनको देखते हैं, उनके जो ग्रामीण लोग निकलते हैं उनके लिए उनका चालान काटा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश रायमा है। सर ये नीमच शहर में सर यातायात व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है सर, उसके बारे में सर आप क्या कहना है? यातायात व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से संचालित हो रही है। तो यहाँ ट्रैफिक के जो हमारे इंचार्ज हैं मिस्टर राठौर और यातायात का हमारा पूरा अमला, ये शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में अच्छा कार्य कर रहा है। और अभी हमने कुछ नए पॉइंट्स और नए प्रयोग भी चालू किए हैं, जैसे सतगुरु बेकरी के ऊपर भी चेकिंग लगाई गई है, जहाँ मोटरसाइकिल वाले काफ़ी ज़्यादा आते जाते हैं और बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल या इस प्रकार की गाड़ियाँ वहाँ पाई जाती हैं, उनके विरुद्ध लगातार पिछले कई दिनों से चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और यातायात को अच्छा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर ये शोरूम चौराहे से सर डाक बंगले तक सर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने सर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी कर देते, पार्किंग नहीं है सर उनके, तो वहाँ पे सर लोगों आवाजाही में बहुत परेशानी समस्या का सामना करना पड़ता है सर। ये एक व्यवहारिक समस्या है। अब चूँकि हॉस्पिटल रोड पर ही है तो वहाँ आने वाले जितने भी मरीज के साथ के परिवारजन हैं वो लोग गाड़ियाँ तो खड़ी करते हैं। वैसे उनको बताया गया है कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उस चीज़ को मैनेज करे, क्योंकि स्थायी रूप से हर बिल्डिंग के सामने ट्रैफिक का सिपाही लगाना संभव नहीं है। प्रमुख चौराहों पे और प्रमुख स्थानों पे लगा के हम पूरा संचालित करते हैं, बीच बीच में ड्राइव चला के हम उनको हटवा देते हैं। अभी इसमें और भी हम दिखवाएंगे ताकि वहाँ जब ज़्यादा ऐसी भीड़ भाड़ हो तो उनको हटवा दिया जाए।